दोस्तों हेडफोन से मतलब होता है ऐसे स्पीकर्स से जिन्हें अपने सर पे या अपने कान के आसपास पहन सकते हैं, और हेडफोन्स में जो स्पीकर्स यूज किए जाते हैं उन्हें कहते हैं हेडफोन के ड्राइवर्स। तो आज जानेंगे हेडफोन्स और ईयरफोन्स के बारे में और भी बहुत सारी बातें इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश, आप देख रहे हैं गीकाचार्य और आज बात करेंगे हेडफोन्स की। दोस्तों हेडफोन्स हम में से हर कोई जनरली बेसिकली अपना म्यूजिक सुनने के लिए यूज करता है, अपने फोन्स के साथ, अपने कंप्यूटर्स के साथ, अपने लैपटॉप टैबलेट वगैरह जितने भी डिवाइसेस हम यूज करते हैं उनके साथ हम कोई ना कोई टाइप का हेडफोन यूज करते हैं। और बेसिकली हेडफोन को इस तरह अपने डिवाइसेस से कनेक्ट करने के तरीके के बेसिस पे दो टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहले होते हैं वायर्ड, दूसरे होते हैं वायरलेस। वायर्ड बेसिकली ऐसा कोई ईयरफोन होगा जिसे आप अपने फोन के अंदर केबल के जरिए क्लिप करते हो, और इस तरह से ये काफ़ी कन्वीनियंट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी डिलीवर करते हैं। पर वायर्स के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी आप उन्हें लपेट के रख देते हो, कहीं पे स्टोर कर देते हो, अपने बैग वगैरह में डाल देते हो, तो उसके बाद वो एकदम उलझे हुए से निकल के आते हैं। आजकल वैसे टैंगल फ्री वायर्स आने लगी, पर फिर भी वायर्स थोड़ी सी इनकन्वीनियंट होती है इस वजह से, क्योंकि वो आपके कान से लेके अपनी पॉकेट में जहाँ पर भी आपने फ़ोन वगैरह स्टोर किया है, जहाँ पर भी आपका लैपटॉप वगैरह रखा हुआ है, वहाँ तक जाती है। और इससे मूवमेंट जो होती है, आपकी जो मूवमेंट होती है वो थोड़ी रिस्ट्रिक्ट सी हो जाती है, आप मूव नहीं कर सकते फ्रीली। तो इसके बाद जो चीज आती है, जो दूसरा तरीका है कनेक्शन का, वो है वायरलेस मेथड, जिसमें जनरली ब्लूटूथ का यूज किया जाता है आपकी डिवाइस से आपके ईयरफोन्स को कनेक्ट करने के लिए। इस टाइप के ईयरफोन्स होते हैं जो वायरलेसली आपके फोन से कनेक्ट हो जाते हैं। अब वायरलेस का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आपकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट नहीं होगी, आप जैसे भी चाहे मूव कर सकते हैं ईयरफोन्स लगाने के बाद। और क्वालिटी भी, जो वॉइस क्वालिटी होती है, जो ऑडियो क्वालिटी होती है, वो भी काफ़ी अच्छी होती है। जो बेसिक लिमिटेशन होता है वायरलेस के साथ वो ये होता है कि एक तो वायरलेस की रेंज जो लिमिट करती है कि वो भी 10 मीटर या 15 मीटर तक ही काफ़ी अच्छी क्वालिटी डिलीवर करते हैं। दूसरा, आपको जो म्यूजिक स्ट्रीम हो रहा है वायर्ड में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का स्ट्रीम होता है बजाय कि वायरलेस के। पर वायरलेस में भी अब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, जैसे aptX आ गया है, क्वालकॉम का एक प्रोटोकॉल है aptX। तो aptX वाले जो वायरलेस ईयरफोन्स होते हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी डिलीवर करेंगे इन कंपैरिजन टू बिना aptX वाले के। अब फर्दर आप अगर डिवाइड करना चाहे तो हेडफोन्स की कैटेगरीज हो सकती हैं उनके साइज के बेसिस पे। तो पहले टाइप के हेडफोन्स होते हैं इस तरह के, जिन्हें कहते हैं ओवर द ईयर हेडफोन। ओवर द ईयर हेडफोन में सबसे बड़े ड्राइवर होते हैं, इसलिए इनकी क्वालिटी, जो ऑडियो क्वालिटी होती है, वो भी सबसे अच्छी होगी। ओवर द ईयर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपके कान को पूरा ढक लेते हैं, और इस वजह से जो नॉइस आइसोलेशन होता है इनका, जो बाहर की आवाज़ आपके सुनाई पड़ रही है आपको, वो भी काफ़ी कम हो जाती है। और इसके साथ ही इनकी जो ऑडियो क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। जो कंफर्ट होता है इनको पहनने का वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि आपके एक तो कान से सपोर्ट मिल रहा होता है, दूसरा हेडबैंड से सर पे भी सपोर्ट मिल रहा होता है। तो इनकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और ये काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं लॉन्ग टाइम तक पहन के रखने के लिए। पर एक लिमिटेशन ये है कि इनको पहन के मूव करना काफ़ी इनकन्वीनियंट होता है, और स्टोर करना भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेते हैं, इसलिए स्टोर करना भी थोड़ा इनकन्वीनियंट होता है। इसके बाद आते हैं ऑन द ईयर हेडफोन्स, जो कि आपके कान के ऊपर फिट होते हैं। तो कान के ऊपर फिट होने वाले ऑन द ईयर हेडफोन्स का बेसिक एडवांटेज ये है कि वो थोड़े छोटे होते हैं इन कंपेरिजन टू ओवर द ईयर हेडफोन्स, पर उनका कोई खास एडवांटेज नहीं होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं है। और दूसरा, मेरे हिसाब से जब आपके कान के ऊपर ओवर द हेडफोन, ऑन द ईयर हेडफोन रखा रहेगा तो आपके कान को दबाएगा, और इस वजह से हो सकता है कि ओवर द टाइम आपको कान में दर्द महसूस होने लगे। तो मेरे हिसाब से अगर आपको बड़े हेडफोन्स लेने हैं तो ओवर द ईयर हेडफोन लेना चाहिए, काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। अब ओवर द ईयर हेडफोन्स भी दो वेरिएंट्स आते हैं, एक तो होता है ओपन बैक, दूसरा होता है क्लोज बैक। क्लोज बैक जिसमें पीछे का हिस्सा, स्पीकर के पीछे का हिस्सा बंद है। तो क्लोज बैक में क्या होता है कि जो बाहर से आवाज आ रही है वो आपके कानों को सीधा हिट नहीं करेगी, पर इससे लिमिटेशन ये होती है कि जो स्पीकर को मूव करना है, जो उसके अंदर स्पीकर लगा हुआ है उसके डायफ्राम को जो मूव करना है, वो मूव करने के लिए जो एयर चाहिए होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो जो इनका साउंड स्टेज होता है, जो ऐसा लगता है कि कितने बड़े एरिया से आवाज आ रही है, वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है क्लोज बैक के केस में। ओपन बैक के केस में क्या होता है कि बैक थोड़ी ओपन होती है, बैक खुली होती है, कोई जाली वगैरह लगी होती है ताकि एयर पास हो सके उससे। अब ऐसे में होता क्या है कि बाहर जो साउंड चल रही है, बाहर जो नॉइज आ रही है वो आपको मिलेगी, पर आपका जो डायफ्राम है वो मूव कर रहा है, तो वो काफी ज्यादा एयर को मूव कर सकता है और ऑडियो क्वालिटी फर्दर इंप्रूव हो जाएगी। तो ओपन बैक हेडफोन्स आप वहां पे यूज कर सकते हैं जहां पे नेचुरली नॉइज नहीं, जैसे अगर आप कमरे के अंदर बैठे हैं तो वायर्ड ओपन बैक हेडफोन यूज करेंगे तो वो आपको बेस्ट साउंड क्वालिटी देगा। क्लोज बैक जब आप कहीं बाहर मूव कर रहे हैं या थोड़ा नॉइजी है वहां पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नॉइज कैंसिलेशन के भी दो तरीके होते हैं, एक तो होता है एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, दूसरा होता है पैसिव नॉइज कैंसिलेशन, जैसे कि ये है। यहाँ पे पैसिव नॉइज कैंसिलेशन यूज किया जा रहा है, कोई भी माइक वगैरह नहीं लगा हुआ है। और एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन में क्या होता है कि एक डेडिकेटेड माइक लगा होता है जो बाहर की आवाज को सुन रहा होता है, बाहर जो साउंड, बाहर जो नॉइज प्रोड्यूस हो रही है उनको सुनता है, उनके एंटी पैटर्न जनरेट करता है और वो भी आपके ऑडियो में डाल देता है, जिससे आपको जो बाहर का नॉइज आ रहा है वो कैंसल आउट हो जाता है। तो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन में माइक का यूज करके इलेक्ट्रॉनिकली नॉइज को सप्रेस कर दिया जाता है, जबकि पैसिव नॉइज कैंसिलेशन में बेसिकली जो सील कर रहा है आपके कानों को, उससे ही सारा काम होता है। फर्दर जो डिवीजन है, फर्दर जो शेप के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं वो होती है ईयरबड्स। ईयरबड्स बेसिकली आपके कान में फिट होते हैं, जैसे कि ये ऐसे फिट हो जाते हैं और ये कान के बाहर वाली एरिया में ही लगे होते हैं। तो इससे जो ऑडियो क्वालिटी होती है वो तो ठीक ठाक ही होती है, पर जो नॉइज आ रहा होता है बाहर का, क्योंकि प्रॉपर सीलिंग नहीं हो रही है, इस वजह से बाहर की जो आवाज़ें आ रही हैं वो भी आपको सुनाई पड़ती रहेंगी। तो ये हो गई ईयरबड्स की बात। अगले जो आते हैं ईयरबड्स के ही फर्दर एक्सटेंशन, वो है कैनाल ईयरफोन्स। या आपके कान में और भी अंदर तक फिट हो जाते हैं और काफ़ी अच्छा सील देते हैं, पर कई लोगों को कैनाल ईयरफोन से थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो आपके कान के अंदर फिट हो गए हैं और वहाँ पे सीलिंग के लिए जो सिलिकॉन टिप यूज़ की जा रही है वो आपके कान की इनर वॉल्स के अगेंस्ट थोड़ा प्रेशर एग्जर्ट करती है। इस वजह से अगर आप ज़्यादा लंबे पीरियड तक कैनाल ईयरफोन्स यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि आपको कान में अंदर दर्द महसूस हो। वैसे भी अगर आप स्ट्रीमिंग म्यूज़िक सेलेक्ट करते हैं, अगर आप स्ट्रीमिंग म्यूज़िक सुनते हैं, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग कोई ना कोई काम करते हुए, कम्यूट करते हुए गाने सुनते हैं या फिर आते जाते वक्त गाने सुनते हैं, तो ऐसे में कैनाल ईयरफोन्स बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है आपके म्यूजिक सुनने के एक्सपीरियंस का, क्योंकि ये काफ़ी मोबाइल होते हैं तो, और दूसरा आपके कान के अंदर फिट हो जाते हैं तो जो ऑडियो क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और पैसिव नॉइज कैंसिलेशन बहुत अच्छा ऑफर करते हैं, तो जो बाहर की नॉइज़ है वो भी आपको काफ़ी कम सुनाई पड़ेगी। तो कैनाल ईयरफोन्स काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी मोबाइल होते हैं, और अगर आपके पास ओवर द ईयर हेडफोन्स आपको नहीं यूज़ करने हैं तो कैनाल ईयरफोन्स आर रेकमेंडेड फॉर यू, कि वो काफ़ी अच्छे होते हैं। अब बेसिक 3 पैरामीटर्स को आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप कोई हेडफोन्स या ईयरफोन्स खरीदने जा रहे होते हैं। वो 3 पैरामीटर्स हैं। पहला, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। हम ह्यूमंस जो आवाज़ें सुन पाते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें सुन पाते हैं, और जो लोअर फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जो 20 हर्ट्ज के आसपास वाली होती हैं, वो बेस वाली फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो जब भी आप कोई, जैसे आप स्पेसिफिक स्पेक शीट खोलेंगे किसी ईयरफोन की, किसी हेडफोन की, तो आपको वहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि एक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वाला सेक्शन होता है जहाँ पे लिखा होता है कि ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक रिस्पॉन्स सपोर्ट करता है या फिर 15 हर्ट्ज से 25,000 हर्ट्ज तक। तो जो लोअर फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं आपके बेस को। तो जितने ज़्यादा लो जाएगा कोई ईयरफोन, जैसे अगर 20 से नीचे 15 या 18 हर्ट्ज पे जा रहा है, तो आपको बेस जो है वो काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, काफ़ी ग्रैनुलर आपको बेस मिलेगा, बेस की डिटेल काफ़ी अच्छी होगी। हाइज अगर आपको अच्छी चाहिए, जैसे ट्रेबल वाला एरिया अच्छा चाहिए या वोकल्स बहुत अच्छी चाहिए, तो जो हायर फ्रीक्वेंसी रेंजेस है, जैसे कि 20,000 हर्ट्ज के ऊपर, 21,000, 22,000, ऐसे जो है वहाँ पे आपको ट्रेबल काफ़ी अच्छा मिलेगा। दूसरा जो पैरामीटर होता है वो होता है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस बेसिकली ये बताता है कि आपका जो ईयरफोन आप यूज़ करने जा रहे हैं, जो ईयरफोन या हेडफोन यूज़ करने जा रहे हैं, उसको ड्राइव करने के लिए, उसको चलाने के लिए कितनी पावर चाहिए होगी। तो जो कम इम्पीडेंस वाले ईयरफोन्स होते हैं वो आपके फ़ोन वगैरह से भी चल सकते हैं, पर जब ज़्यादा इम्पीडेंस की बात करते हैं, आप जब ज़्यादा इम्पीडेंस की बात करेंगे तो आपको वहाँ पर डेडिकेटेड एम्पलीफायर या फिर कंप्यूटर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है जो ज़्यादा पावर डिलीवर कर सकते हैं एक ईयरफोन को चलाने के लिए। तो अगर आप अपने फ़ोन के लिए ईयरफोन यूज़ कर रहे हैं की सोच रहे हैं, तो ऐसे ईयरफोन्स खरीदिए, ऐसे हेडफोन्स खरीदिए जिनका इम्पीडेंस कम हो, तो फ़ोन आराम से उन्हें चला सकता है, फ़ोन आराम से उनको फुल वॉल्यूम पे चला सकता है और आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। पर अगर आप अपने कंप्यूटर के लिए यूज़ कर रहे हैं या आपके पास डेडिकेटेड एम्पलीफायर है, तो आप ज़्यादा इम्पीडेंस वाले हेडफोन्स को यूज़ करना चाहिए आपको, क्योंकि ज़्यादा इम्पीडेंस के हेडफोन्स के साथ ये होता है कि डिस्टॉर्शन बहुत कम हो जाता है। तो डिस्टॉर्शन एक और चीज़ होती है कि डायफ्राम अगर बहुत तेज़ी से वाइब्रेट कर रहा है तो कभी कभी वो सर्टेन फ्रीक्वेंसीज को मिस कर जाता है, तो वहाँ पे डिस्टॉर्शन, जैसा साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए वैसा साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, तो उसे डिस्टॉर्शन कहते हैं। तो ज़्यादा इम्पीडेंस के अगर हेडफोन्स यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा इम्पीडेंस होगा डिस्टॉर्शन जनरली उतना ही ज़्यादा कम होता जाता है, पर जितना ज़्यादा इम्पीडेंस होगा उतनी ही ज़्यादा पावर चाहिए होगी उस पर्टिकुलर हेडफोन को चलाने के लिए। तो आपको मोबाइल फ़ोन्स के लिए कम इम्पीडेंस वाले हेडफोन्स लेने चाहिए, कम इम्पीडेंस वाले ईयरफोन्स लेने चाहिए, कंप्यूटर्स वगैरह के लिए हेडफोन्स ज़्यादा इम्पीडेंस के लेने चाहिए। अब तीसरा जो पैरामीटर होता है वो होता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी जनरली आपके साउंड प्रेशर को डिनोट करता है। साउंड प्रेशर क्या है? जितना तेज आपको आवाज़ सुनाई पड़ रही है वही साउंड प्रेशर है। तो सेंसिटिविटी जनरली डिनोट की जाती है 103 डीबी, मतलब डेसिबल्स। एक सर्टेन मिलीवॉट पावर की रेटिंग दे देते हैं कि 1 मिलीवॉट पे 103 डेसिबल्स की सेंसिटिविटी है। अब सेंसिटिविटी से मतलब सीधा सीधा ये है कि कितना लाउड होगा वो ईयरफोन। अगर सेंसिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, ईयरफोन की लाउडनेस उतनी ज़्यादा होगी, मतलब फुल वॉल्यूम पे वो उतना ही ज़्यादा लाउड आपको सुनाई पड़ेगा। तो अगर आपको लाउडनेस बहुत अच्छी चाहिए तो ज़्यादा सेंसिटिविटी वाले, ज़्यादा सेंसिटिव ईयरफोन्स लीजिए। पर जनरली जो ज़्यादा इम्पेडेंस वाले ईयरफोन्स होते हैं और अगर आपके पास ज़्यादा अच्छा एम्पलीफायर वगैरह है तो कम सेंसिटिविटी वाले से भी आपका काम हो जाएगा। इम्पेडेंस ज़्यादा होगी, आप ज़्यादा पावर से चलाएंगे उसे तो आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी। तो अगर आप अपने स्मार्टफोन के लिए कोई ईयरफोन लेना चाहते हैं और आप जनरली स्ट्रीमिंग म्यूजिक सुनते हैं तो आप वायरलेस कैनाल ईयरफोन्स ले सकते हैं जो काफ़ी मूवमेंट अलाउ करते हैं, काफ़ी मोबाइल होते हैं, वायरलेस की वजह से काफ़ी मोबाइल होते हैं। और क्योंकि कैनाल ईयरफोन्स हैं इसलिए काफ़ी छोटे होंगे, उन्हें कैरी करना आसान होगा और आपके कान के अंदर आसानी से फिट हो जाएंगे। दूसरा, मोबाइल के लिए अगर आप ले रहे हैं तो इम्पीडेंस कम होनी चाहिए, क्योंकि कम इम्पीडेंस होगी तो कम पावर लगेगी और आपका मोबाइल है जो वो आसानी से उस ईयरफोन को ड्राइव कर पाएगा। अगर आप घर पे बैठ के आराम से अपना म्यूजिक एंजॉय करना चाहते हैं तो कोई भी ओवर द ईयर वायर्ड हेडफोन लीजिए जो आपको काफ़ी अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस देगा। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो पसंद आया या नहीं आया। आप वीडियो को इंप्रूव करने के लिए, वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स में दे सकते हैं। मुझे बताइए आप कौन से हेडफोन्स यूज़ करते हैं, मैंने एक पोल भी डाल रखा है तो आप बता सकते हैं मुझे कि आप हेडफोन्स किस टाइप के यूज़ करते हैं। ओवर द ईयर हेडफोन यूज़ करते हैं, ऑन द ईयर हेडफोन यूज़ करते हैं, आप ईयरफोन्स यूज़ करते हैं या फिर कैनाल ईयरफोन्स यूज़ करते हैं। आप जो भी टाइप का हेडफोन यूज़ करते हैं वो मुझे पोल में बताइए। आप ऐसा क्यों करते हैं ये मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे लाइक करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।